अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिबहल पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल सैनिक इंटरेस्टिंग प्रोमो नशर कर दिए गए, जिसके आने वाले एपिसोड में आप लोग दिखने जा रहे हो। फिर नाज़रीन यहां पर उजाला मिठाई लेकर आ जाती है और नाज़रीन सब लोग यहां पर बहुत ही ज़्यादा मज़े से खा रहे होते हैं और उजाला अपनी आपी और नाज़रीन सबको बता रही होती है कि यहाँ पर मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैं प्रिंसिपल बन चुकी हूँ और मैम ने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है, अब वो आराम करना चाहती हैं। जिसके बाद नाज़रीन उसकी बहन कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है हलीमा। और नाज़रीन इसके साथ साथ कहती है इसकी मोमानी नाज़रीन उजाला की कि सिर्फ तुम्हारी प्रमोशन ही हुई है या पैसे वैसे भी बढ़े हैं। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बख्तियार खुश होता है और कहता है अम्मा जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं प्रमोशन के साथ और पैसे भी बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो पूछती है कितने पैसे बढ़े हैं, तो नाज़रीन उजाला बताती है 1,00,000 रुपये। जिसके बाद यहाँ पर उसके तो लड्डू अटक जाता है हलक में। तो नाज़रीन अब और क्या होगा ज़रूर से बताइएगा और किस तरह जलेगी ज़रूर से बताइएगा। और दूसरी जानब यहाँ पर अब नाज़रीन ज़हेब जो है वो बात वगैरह नहीं करवा रहा नवाल के साथ, तो क्या नाज़रीन नवाल कहीं भाग वगैरह तो नहीं गई या कुछ और काम हो चुका हो, और नाज़रीन ये वापस अब पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, हमें कब तक इसकी एंट्री देखने को मिलेगी, आप लोग ये ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और दूसरी जानब आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर फायज़ा और नाज़रीन किरण के दरमियान में जंग छिड़ चुकी होती है घर में, और नाज़रीन क्योंकि यहाँ पर किरण शॉपिंग करके आती है और कहती है कि मैंने तो आपको दिखाने ही नहीं थी ये शॉपिंग क्योंकि आप तो मेरी खुशियों से बहुत ही ज़्यादा जलती हैं। जिसके बाद नाज़रीन लड़ाई बढ़ जाती है यहाँ पर जो बैठा होता है ज़रबाब और कहता है कि मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा अगर तुमने आइंदा के बाद कोई ऐसी बात की, तो नाज़रीन वो मज़ीद ज़्यादा लड़ने शुरू हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर नाज़रीन कह देती है यहाँ पर और फायज़ा के मैं हम तुमसे ज़्यादा ऐश कर चुकी हूँ अपने बाप के सर पर जितनी तुमने आज तक कभी ख्वाबों में भी सोची देखी नहीं होगी। जिसके बाद यहाँ पर किरण को वो धक्का भी दे देती है और कहती है कि यहाँ पर ये मेरे भाई का जो है सब कुछ है और मैं जो कुछ मर्जी कर सकती हूँ, मेरे हक पे तुम बिल्कुल भी डाका नहीं डाल सकती। जिसके बाद नाज़रीन किरण और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसे धक्का दे देती है और इसके साथ साथ वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगी। जिसके बाद वो कहती है ये तुम्हारा ख्वाब है, फायज़ा कहती है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है किरण के नहीं ये मेरा ख्वाब नहीं है, अब मैं तुम्हें निकाल के छोड़ूंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब ज़रबाब ये सब कुछ करता है तो नाज़रीन वो कहती है मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तो नाज़रीन यहाँ पर उसकी माँ रोना शुरू हो जाती है ज़रबाब की और कहती है किरण बेटा मत जाओ, तो नाज़रीन यहाँ पर वो कहती है कि फिर अपनी चहेती से कहो कि मेरे पाँव पकड़े, तो नाज़रीन पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी फायज़ा उसके पाँव। और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या लगता है ज़रबाब को किरण को रोकना चाहिए या उसे कहना चाहिए दफ़ा हो जाए यहाँ से, आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो लाइक कर देना होगा। बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।